चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स है। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.2 में हेल्पफुल होंगी और हम उनको यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने देखना है पहले कि कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का वैसे क्या मतलब होता है? यूनियन जो है एक ऑपरेशन है, ठीक है, जो सेट्स पे हम अप्लाई करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का वैसे मतलब होता है कि दो चीज़ों को कंबाइन कर देना, ठीक है, मिला देना, वो यूनियन हो गया। अब सेट्स में यूनियन किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हमने देखना है इसमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स देख रहे हैं ना हम, तो दो सेट्स हमारे पास हैं। लेट्स सपोज एक का नाम ए है सेट, और वो सेट इक्वल है 1, 2, 3 के, 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एक और सेट हमारे पास मौजूद है जिसका नाम सेट बी है। ठीक है, और उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 2, 3, 4, 5 ये उसके सेट्स सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 2, 3, 4, 5 हैं। ठीक है, तो ये तो दो हमारे पास सेट्स हो गए। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यूनियन क्या होता है? दोनों चीज़ों को मिला देना, किसी भी दो चीज़ों को मिला देना। तो सेट्स में यूनियन क्या होगा कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देना, कंबाइन करके एक सेट बना देना। ठीक है, तो कंबाइन किस तरह से किया जाता है, यानी कि इसके एलिमेंट्स भी हम लिख लें सेट ए के, उसके बाद सेट बी के भी एलिमेंट्स लिख लें और उनको एक ही सेट में लिख लें, तो वो यूनियन बन जाता है। ठीक है, तो यूनियन जो है यूज उसका सिंबल होता है, मतलब कि अगर मैं ए और बी दो सेट्स का यूनियन फाइंड कर रहा हूँ तो ए और बी लिखकर उनके दरमियान में यू का साइन डाल दूंगा, तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो मैं सेट लिख लेता हूँ 1, 2, 3 एलिमेंट्स वाला, ठीक है, ए, उसके बाद यूनियन का साइन, और फिर 2, 3, 4, 5 ये हो गया दूसरा सेट। ठीक है, इन दोनों का हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, अब दूसरे सेट के एलिमेंट्स में लिखता हूँ, दूसरे एलिमेंट्स के सेट के हैं 2, जो कि मैं पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मैं एक ही सेट में दो एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, वो सेट नहीं होता फिर। ठीक है, तो 2 हम पहले लिख चुके हैं, उसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको रहने देते हैं। उसके बाद 3 आता है, 3 भी पहले लिख चुके हैं, इसको भी मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं ऊपर काटना था, मैं यहाँ पर काट चुका हूँ। ये आ जाएगा, यहाँ से मैं 3 निकाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 मैं पहले लिखा है, नहीं लिखा, तो 4 हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या आता है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और कोई एलिमेंट बाकी रह गया? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए और बी में मौजूद हो और हमने यहाँ ना लिखा हो। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये यूनियन हम फाइंड कर चुके हैं, ए यूनियन बी। अच्छा, अब देखें तो हमने क्या किया इसमें, यूनियन में दो सेट्स को कंबाइन कर दिया, दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिखा, तो वो यूनियन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब कि एक सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में, तो इस सेट को तो मैं स्पेसिफिकली ये लिख सकता हूँ ना, सेट बिल्डर नोटेशन के, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ये स्पेसिफिक सेट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 1 से लेकर 5 तक, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और लेस देन इक्वल टू 5 है, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ यूनियन के सेट को जनरल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन जनरल
ए यूनियन बी के ऑपरेशन को मैंने लिखना है कि होता क्या है उसमें. ये होगा एक्स सच दैट, यूनियन के यूनियन के सेट में क्या होता है कि एक्स बिलोंग कर रहा होता है किससे, दोनों सेट से. मतलब कि एक्स एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस के हो रहे होते हैं, मतलब हम लिख रहे होते हैं दोनों सेट्स के जिसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. मतलब कि ए सेट का भी एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए, ए से भी बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो उनसे बिलोंग कर रहे होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है. दोनों सेट से वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होते हैं. तो ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी की जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन. अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर आते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. जब हमने यूनियन की बात की उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पे आते हैं. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. अच्छा इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का वैसे क्या मतलब होता है. इंटरसेक्शन होता है यानी कि किसी दो चीज़ में कोई चीज़ कॉमन हो ना वो निकाल ली जाए तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब कि दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो हमने इस लेक्चर में देखना है. तो इसको भी हम एक एग्जांपल से लेकर चलेंगे, ठीक है. वही एग्जांपल मैं रिपीट कर लेता हूँ, जो ऊपर हमने दो सेट्स लिए हैं ए और बी वही मैं दोबारा से लिख लेता हूँ. ए सेट है 1, 2, 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, और बी सेट जो है वो 2, 3, 4, 5 ये दो सेट्स हो गए, ठीक है, ए और बी. अब हमने अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिस तरह से हमने ए यूनियन बी लिखा था, ए और बी के दरमियान में यूनियन लिखा था तो वो दो सेट्स का यूनियन बन गया था, ठीक है. तो इस तरह से इंटरसेक्शन के लिए हम एन यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब मैं दोनों सेट्स लिखता हूँ 1, 2, 3 और उनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन, फिर दूसरा साइन दूसरा सेट आ जाएगा 2, 3, 4, 5. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब के जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉमन चीज़ को इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है. तो इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, अगर देखें तो 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 2 इसमें मौजूद है तो इसमें भी है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया तो ये हम लिख लेते हैं 2. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर चेक करते हैं, 3 इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, दोनों सेट्स में 3 मौजूद है तो हम ये भी लिख लेते हैं 3. और इसमें तो कोई एलिमेंट और बचा नहीं, इसको देख लेते हैं, 4 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे. मतलब कि सिर्फ दो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन हैं. तो ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा अब इस इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को मैं अगर सेट बिल्डर नोटेशन में जनरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि इंटरसेक्शन होता क्या है तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा. सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है एक्स ऐसा एलिमेंट सच दैट के एक्स बिलोंग कर रहा हो किससे, ए से, ठीक है, और साथ ही साथ एक्स बिलोंग कर रहा होता है बी से भी. ये होता है सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है. मतलब कि ए में भी होना चाहिए वो सेट और बी में भी होना चाहिए यानी कि कॉमन होना चाहिए. अब आप देखें कि हमने यूनियन में क्या लिखा था, यूनियन में भी हमने ये चीज़ लिखी थी लेकिन इसमें यूनियन में हमने क्या गलती की थी कि एंड नहीं आना चाहिए. यूनियन में हम ए के भी लिखते हैं बी के भी लिखते हैं तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता कि ए और बी में कॉमन, ये तो कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना कि ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए वो सेट एलिमेंट, तब जाके हम वो लिखें तो वो तो इंटरसेक्शन बनता है, ठीक है. यूनियन में तो हम दोनों के लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर हम एंड का साइन नहीं डालेंगे बल्कि और का साइन डालेंगे. मतलब कि हम ए के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और बी के भी एलिमेंट्स लिखेंगे. इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दो और
उसके साथ साथ क्या लिखो, b के जो एलिमेंट्स हैं उसको भी लिख दो, तो वो यूनियन बन जाता है। यूनियन में यही हुआ था ना, हमने ये किया था कि a के भी एलिमेंट्स लिखते थे, उसके बाद b के भी एलिमेंट्स लिखे थे, लेकिन जो रिपीट हो रहे थे वो हमने दोबारा से नहीं लिखे, लेकिन वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन हम लिखते हैं, मतलब के जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हों, मतलब कि कॉमन हो, वो सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं। इसलिए मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, ए से भी बिलोंग करना चाहिए और उस एलिमेंट को बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो इंटरसेक्शन बनता है। अच्छा, ये तो हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं एक सेट की, एक फॉर्म है, ठीक है, ये टाइप उसे कह लें, डिसजॉइंट सेट्स, डिस जॉइंट सेट। डिस जॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। डिस जॉइंट मतलब के बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है डिस जॉइंट का। ठीक है, तो दो सेट्स में लिख रहा हूं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इसको हम ए सेट कह देते हैं, और बी सेट में लिखता हूँ टू फोर सिक्स एट टेन, ये दो सेट्स मैंने लिए। अब देखें इन दोनों में सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला जो है वो ऑड का सेट्स है, ऑड नंबर का सेट्स है सेट है, और जो बी सेट है वो इवन नंबर्स का सेट है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब के इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कोई कॉमन नहीं है तो नल सेट, कोई भी कॉमन नहीं है, नल सेट का मतलब ये है, या फिर इसको हम एम्प्टी सेट कह देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब ये केस हो कि दो एलिमेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाई आ जाए या एम्प्टी सेट आ जाए, या फिर अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों सेट्स में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को कहते हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज सी एक हमारे पास सेट मौजूद है, वन टू थ्री फोर फाइव, और हमारे पास एक और सेट मौजूद होगा डी, जो कि है सिक्स सेवन नाइन टू टेन। अब इन दोनों सेट्स में देखें ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे, देख के बता सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर वही आपने बताया हो तो मतलब कि आपको समझ आ चुकी है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या आ रहा है, टू, टू का एलिमेंट कॉमन आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए डिसजॉइंट सेट्स में। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनता है, सी इंटरसेक्शन डी हम लिखेंगे, क्योंकि सी नाम है इस सेट का, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू टू आ रहा है एलिमेंट। ठीक है, तो अब ये देखें इनमें से कॉमन आ रहा है, फाई नहीं आया, एम्प्टी सेट नहीं आया, मतलब कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये पहचान होती है डिसजॉइंट सेट्स की कि दोनों में इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए या एम्प्टी सेट आना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने देख लिया डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अब हम आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल इनवर्स होते हैं
जो हमने पहले पढ़ा है डिसजॉइंट सेट्स का, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई इंटरसेक्शन आ रहा होता है। तो जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे देख लेता हूँ, 2, 3, 4, 5 ये एक सेट है, इसको हम ए का नाम देते हैं और बी सेट एक और लिख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 ये दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें देखें तो कोई ना कोई मतलब के इंटरसेक्शन एलिमेंट्स का आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 5 इसमें मौजूद है तो इसमें भी मौजूद है, ठीक है, मतलब के इंटरसेक्शन आ रहा है इन दोनों में। तो ये दोनों आपस में सेट्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि जो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी है कि वो आपस में एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं ताकि सही तरह से क्लियर हो जाए। एक सेट में लिख रहा हूँ 1, 2, 3, ये एक सेट है जिसका नाम सी है और डी सेट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दो सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखें एक कंडीशन तो ठीक है, मतलब कि दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब कि 1 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है तो इसमें भी मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है तो इसमें भी मौजूद है, तो इंटरसेक्शन आ रहा है। तो क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या नहीं है, आप बताएंगे? नहीं, इसको हम ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कह सकते। एक कंडीशन तो ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है कि सी सेट जो है वो सबसेट है डी का, क्योंकि सब के सब एलिमेंट सी के जो हैं वो डी में लाए कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से सी जो है वो सबसेट है डी का, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो ऑब्वियसली उसमें इंटरसेक्शन तो आएगा, लेकिन जब सबसेट हो तब वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सी जो है वो डी का ओवरलैपिंग सेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग की बात समझ आ गई। उसके बाद एक और ऑपरेशन हम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? एक दूसरे में फ़र्क करना, मतलब कि अगर एक बंदा है मेरे पास, मेरे सामने बंदा मैं बना रहा हूँ जी, ये एक बंदा है, ठीक है, और दूसरा बंदा ये है, ये आंखें भी बना दी मैंने, ये फेस हो गया इसका, इसके चलें बाल भी बना देते हैं। अच्छा, अब इनमें मैं डिफरेंस क्रिएट करने लगा हूँ, आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से डिफरेंस बना रहा हूँ। ये इसको मैंने बना दिया रेड शर्ट और इसको हम बना देते हैं चलें ग्रीन, पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बंदा है जी। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि हम देखना चाह रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बताएं जी डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये है कि इसने रेड कलर की शर्ट पहनी है, इसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेड और ग्रीन का डिफरेंस। अच्छा, उसके अलावा ये बंदा गंजा है, इसके सर पे बाल ही नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं गंजा लिख देता हूँ और इसके सर पे बाल हैं विद हेयर,
ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो डिफरेंस हम जनरली देखना चाह रहे थे होता क्या डिफरेंस। अच्छा, अब हम आते हैं सेट्स के ऊपर कि सेट्स में डिफरेंस क्या होगा। सेट्स में डिफरेंस हम एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं सेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। एक एल सेट, एल इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, और एक और सेट ले लेते हैं एम, वो है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दो सेट्स मैंने ले लिए। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एल माइनस एम, डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स, ठीक है। एल माइनस एम तो किस तरह से लिखूँगा, पहले मैं एल सेट लिखूँगा, उसके एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट आ गया एल सेट। उसके बाद माइनस साइन डालता हूँ डिफरेंस के लिए, और उसके बाद एम का सेट लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अब डिफरेंस हमने लिखना है इन दोनों सेट्स का, तो मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो एल सेट में मौजूद हों लेकिन एम में मौजूद ना हों, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। जो चीज़ एल में मौजूद है और एम बी में मौजूद है वो तो कॉमन होगी ना। कॉमन के अलावा देखें, जो एल में मौजूद हो एल सेट में और एम सेट में मौजूद ना हो वो डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसके पास 2, 3, 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 2, 3 और 4, जो कि इसके पास नहीं है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन दिस एल सेट एंड एम सेट। ये हो गया एल माइनस एम। और अगर मैं देखना चाहूँ कि एम माइनस एल, एम माइनस एल का क्या मतलब होगा, पहले मैं एम सेट लिखूँगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद एल सेट लिखूँगा जो कि है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मैं एम माइनस एल फाइंड कर रहा हूँ, मतलब कि हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो एम में मौजूद हों लेकिन एल में मौजूद ना हों। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, देखें 5 और 6 ये दोनों तो मौजूद हैं, इसमें भी, एम में भी और एल में भी। बाकी एलिमेंट्स देखें 7, 8, 9, 10, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके पास नहीं है, एम के पास मौजूद हैं, तो हम वो लिखेंगे 7, 8, 9, 10। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एम सेट के पास मौजूद थे और एल सेट के पास मौजूद नहीं थे, इस वजह से मैंने ये इस तरह डिफरेंस में लिख दिया। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एल माइनस एम का रिजल्ट और है, एम माइनस एल का रिजल्ट और है। एल माइनस एम का मतलब ये है कि एल का डिफरेंस एम से, मतलब कि एल के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एम के पास नहीं है, और एम माइनस एल का क्या मतलब है, एम सेट के पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एल सेट के पास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इस तरह से देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज़ देख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक ऑपरेशन होता है इम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, देखें एक ना एक सेट यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मैं लिख देता हूँ जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब के बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी सेट्स जिनकी हम बात करेंगे सब के सब उसके सब सेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैं अभी एक सेट लिखता हूँ, ए सेट लिखूँ, तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ए सेट मैं लिख रहा हूँ जी, ए सेट में लिखता हूँ 4, 5, 6, तो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट होता ही वो सेट है जिसमें हम बाकी सेट्स की अगर बात कर रहे हों, ए हो, बी हो, सी हो, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होंगे,
ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेट्स सपोज मैं ए सेट मुझे गिवन है और मैं उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, इसके ऊपर या तो छोटा सा सी मैं लिख दूँ या फिर एक डैश डाल दूँ, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ सी लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो ए के ऊपर सी मैंने लिख दिया तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल होता है यू माइनस ए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। तो यू माइनस ए किस तरह से, जिस तरह से सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं उसी तरह से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट भी एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन और फिर ए सेट, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 तो कॉमन है, ठीक है, उसको निकाल देते हैं 4 5 6, ये बाकी क्या है 7 8 9 10, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल दिया जाए या डिफरेंस उसका ले लिया जाए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखना है ए माइनस यू नहीं फाइंड करना, वो और चीज़ हो जाएगी, वो ए का डिफरेंस हो जाएगा यू के साथ, हमने यहाँ पर यू माइनस ए हमेशा फाइंड करना है, ठीक है, या जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो बाद में आएगा, यू माइनस के बाद आएगा, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे इस लेक्चर में, जो कि यूज़ होंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो अभी इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।